हेलो एवरीवन, स्टडी अपडेटा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए यूपी पुलिस 41,520 वाली भर्ती की ब्रेकिंग न्यूज़ जो बड़ी दुखद खबर लेकर के आया हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बराबर जो बेल आइकन घंटी है उसको दबाना मत भूलना, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे स्टडी अपडेटा चैनल के द्वारा मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहते हैं, आज की अपडेट है यूपी पुलिस 41,520 बड़ी दुखद न्यूज़ है। जैसा कि पीओपी समाप्त होने से पहले ही 2018 जो पीएससी अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली है आर्थिक कमजोरी के कारण। तो दोस्तों, वीडियो का पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी मित्रों में शेयर करना। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि दुखद न्यूज है। पीओपी मतलब जैसे कि पीओपी 41,520 वाली जो अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर पासिंग आउट परेड होने वाली है, उससे पहले पीएससी के अभ्यर्थी ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों, वीडियो का पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूज पेपर आया हुआ है, क्या लिखा है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का कमाने वाला इकलौता रिक्रूट था, घटना से साथियों में हड़कंप मच गया। तो क्या है, पीएससी ट्रेनी जमान ने फांसी लगा दी जान, आत्महत्या इटावा। तो दोस्तों, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पीएससी परिसर में रहकर ट्रेनिंग कर रहे पीएससी के जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अपने बैरक के बाथरूम में फांसी पर लटके मिले रिक्रूट की जानकारी से पीएससी में हड़कंप मच गया, परिजन भी रोते व्यक्ति पहुंचे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का कमाने वाला इकलौता ये रिक्रूट ही था। आगरा जिले के खेड़ा थाना क्षेत्र के अटा रसूलपुर गांव के रहने वाले देवराज 24 पुत्र गोपी चंद यहाँ 28वीं वाहनी पीएसी में ट्रेनिंग कर रहे थे। शनिवार की रात को बैरंग में ही बने बाथरूम में देवराज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी चादर का फंदा, जो दोस्तों चादर ले जाते हैं अभ्यर्थी, चादर का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी चादर का फंदा लगाकर लगाई, साथी जवानों ने उसको फंदे पर लटका देखा तो अफसरों को जानकारी दी गई। रात में परिजन को जानकारी दी गई, परिजन रोते बिलखते वहां पहुंचे। परिजनों के देशराज की खुदकुशी करने की बात गले नहीं उतर रही। आनंद थाना में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीएसी के सेना नायक भी पहुंचे। छानबीन की खुदकुशी से कुछ घंटे पहले ही देशराज ने अपने पिता से बातचीत की थी और पिता ने बहन की शादी के लिए देखे लड़के के बारे में बातचीत की थी। इससे स्पष्ट होता है कि देशराज परिवार की ओर से किसी प्रकार की परेशानी में नहीं था। फिर उसने खुदकुशी, क्योंकि इसकी जानकारी पूरी छानबीन के बाद ही पता चल सकेगी, ये तो फिर सिर्फ पुलिस ही पता लगाएगी कि इसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था, क्या और कोई भी वजह हो सकती है। देवराज के पिता गोपीचंद मजदूरी करते हैं, छोटा भाई दिल्ली में रह के ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है और बहन बीएड कर रही है। परिवार में इकलौता देवराज कमाने वाला था। 2018 में पीएससी में भर्ती हुए देवराज की ट्रेनिंग 16 दिसंबर, जो हमने बताया है, पासिंग आउट परेड हो रही थी सिविल वालों की, पीएससी वालों की जो पासिंग आउट परेड थी वो होगी। 2018 में पीएससी में भर्ती हुए देवराज की ट्रेनिंग 16 दिसंबर को पूरी हो रही थी, लेकिन इसके पहले ही उसने फांसी लगाकर जान दे दी। तो दोस्तों, ये जो पीएससी वाला कैंडिडेट होगा, शायद कोई ऐसा अभ्यर्थी होगा जो फिलहाल में अभी तो सिविल की ही ट्रेनिंग होनी है, शायद पीएससी वाले कैंडिडेट्स हों ही तो उनकी भी ट्रेनिंग यहाँ पर करा दी जाएगी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह थी कि उसने यहाँ पर फांसी लगाई, आर्थिक कमजोरी के कारण, कोई भी वजह हो सकती है इसके पीछे, तो पुलिस ही जानकारी लगा पाएगी। मगर ऐसा अभ्यर्थी कोई भी ऐसा मत करना, क्योंकि नौकरी बड़े ही कठिनाइयों से मिलती है, उसके बाद ये कदम उठाना बहुत ही गलत बात है। देख सकते हैं दोस्तों, मृतका का गांव में बने घर पर सत्वन देने पहुंचे लोग। दोस्तों, देख सकते हैं ये अभ्यर्थी का घर है। तो यही आज की न्यूज़ थी जो हमने आपको बता दी कि ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाना, नौकरी आज के ज़माने में बहुत ही टेढ़ी खीरे मिलना, और बच्चे ने कोई गलत कदम उठाया होगा इसके पीछे तो और भी वजह हो सकती है, ये तो एक पुलिस ही जानकारी लगा पाएगी। मगर हमारा सभी अभ्यर्थियों से यही कहना है कि कोई अभ्यर्थी ऐसा काम बिल्कुल भी ना सोचे आगे भविष्य में।
ट्रेनी पीएसी के जवान देशराज ने अपनी बैरक के बाथरूम में फांसी लगा खुदकुशी की। खुदकुशी का कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वह काफ़ी शांत स्वभाव का था और किसी से कभी कोई झगड़ा याद भी नहीं हुआ था। फिर उसने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया, ये जांच का विषय। निशांत शर्मा, सेनानायक 28, विभाहिनी पीएसी। तो दोस्तों यही आज की अपडेट थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारी चैनल के माध्यम से आपको हर एक डेली की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी अपडेट। स्टडी अपबी टाइम चैनल पर आपको हर एक रिव्यू मिलता रहेगा। कोई भी अपडेट आती है यानी वैकेंसी वगैरह, सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।